हाजिर हैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज है हमारे पास सोनी का 1000 वाट का 4 चैनल एम्पलीफायर। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसको खोलकर दिखाने वाला हूं और अंदर से किस तरह दिखाई देता है वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कंपनी ने इसमें किस तरह के कॉम्पोनेंट का इस्तेमाल किया है और किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये एम्पलीफायर देख लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू एम्पलीफायर है। और दोस्तों आपको फ्रंट साइड में यहाँ पर सोनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, सोनी 1000 वाट और यहाँ पर एक्सप्लोर की ब्रांडिंग है। तो अब चलते हैं हम अपनी बैक साइड में। तो बैक साइड में हमें यहाँ पर 4 स्क्रू देखने के लिए मिल जाते हैं, यहीं से ये ओपन होगा। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो और यहाँ पर कनेक्शन वीडियो दोनों बनाई है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं इसके जो स्क्रू है वो खोल लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों स्क्रू मैंने यहाँ पर अपने चारों खोल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम अभी यहाँ पर बैक पैनल हटाते हैं। तो कुछ इस तरह इसका हमारा बैक पैनल हटता है और जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है वो काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपके सब कुछ सामने है। और सबसे पहले दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, 4 मोसफेट हमारे इस तरफ हैं और 4 मोसफेट हमारे इस तरफ हैं, जो कि दोस्तों ये 4 चैनल एम्पलीफायर है। 2 मोसफेट हमारे एक चैनल को चलाता है, 2 यहाँ पर एक चैनल को चलाएगा। इसी तरह दोस्तों 2-2 मोसफेट हमारे एक एक चैनल को चलाने वाले हैं। तो इधर की साइड हमें यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर देखने के लिए मिल जाते हैं और यहाँ पर कुछ कंडेंसर है और यहाँ पर एक कोयल दिखाई गई है जो कि दोस्तों ट्रांसफार्मर वगैरह का काम करती है। और ये है दोस्तों हमारे कुछ और कंडेंसर। ये पूरा ही सेक्शन दोस्तों हमारा इन्वर्टर सेक्शन है, जिसे लोग पावर सप्लाई सेक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमें एक छोटा ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कार का एम्पलीफायर है। इसको यहाँ पर हम अपने 12 वोल्ट इनपुट करते हैं और 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद और ये कोयल वगैरह और ये सेक्शन इसको करंट को यहाँ पर हमारा बूस्ट करता है। यहाँ पर हमें 4 कंडेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि दोस्तों हमारे पेवर डीसी बनाते हैं, उसके बाद दोस्तों हमारा एम्पलीफायर वर्क करता है। और जैसे कि आप यहाँ पर 8 मोसफेट ये देख पा रहे हो, ये हमारे हीट सिंक में कसे हुए हैं, जो कि दोस्तों इसकी पूरी ही बॉडी हमारी एल्युमिनियम की है। हमारी पूरी बॉडी एल्युमिनियम के होने के कारण दोस्तों इस पूरी ही बॉडी हमारी हीट सिंक का काम करती है और यहाँ पर ये अच्छे तरीके से कसे गए हैं, जिससे दोस्तों हमारे मोसफेट जले नहीं और ख़राब नहीं होते। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे छोटे कंडेंसर वगैरह की बात करता हूँ, छोटे कंपोनेंट की बात करता हूँ, तो ये भी यहाँ पर हमें बढ़िया क्वालिटी के देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सोनी एक ब्रांडेड कंपनी है, तो इसलिए हमें जो भी इसमें कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं वो सब ब्रांडेड कंपनी के हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। तो जैसे कि आप हमारी ये इनपुट सेक्शन देख पा रहे हो, इनपुट सेक्शन को अब मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पावर का सॉकेट है इधर की तरफ, और ये है दोस्तों हमारे फ्यूज का सॉकेट, और यहाँ पर दोस्तों हमें स्पीकर का यहाँ पर टर्मिनल देखने के लिए मिल जाती है, और ये गेन है दोस्तों, और यहाँ पर हमें हाई लेवल इनपुट देखने के लिए मिल जाता है, और ये है दोस्तों इनपुट सॉकेट जिसे हम RCA भी बोलते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। अंदर की तरफ से RCA हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है, और ये है दोस्तों हमारी यहाँ पर गेन, और ये है दोस्तों हमारे फ्रंट चैनल का स्पीकर टर्मिनल। तो कुछ इस तरह हमारा इनपुट सॉकेट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में ये यहाँ पर इसके 8 मोसफेट देख पा रहे हो, अगर मैं इनके नंबर की बात करता हूँ तो जो इसका नंबर है दोस्तों वो है इसका 20778। 20778 के यहाँ पर हमें 8 मोसफेट कंपनी ने इस्तेमाल किए हैं। अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ और इसके यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो इसका नंबर है वो है 2575। अगर दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इसके कंडेंसर की, मैं 50 वोल्ट 560 UF का देखने के लिए मिल जाता है, और जिसका दोस्तों टेम्परेचर का जो साइन है वो 105 है। और दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये हमें जगह जगह पर यहाँ पे हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऑडियो बोर्ड इस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट इसके सभी एक तरफ इनको लगाने होते हैं, तो इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर जगह जगह पर क्रॉसिंग देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको इसकी बैक पैनल की PCB भी दिखा देता हूँ, इसकी PCB पीछे की तरफ से किस तरह दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं जो इसकी PCB है वो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। तो दोस्तों स्क्रू अभी मैंने यहाँ पर सारे ओपन कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं जो इसकी PCB है उसको बाहर निकालता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हो, PCB को अभी मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिया है। अगर मैं यहाँ पर बैक पैनल की बात करता हूँ, तो जैसे कि आप बैक साइड देख पा रहे हो, तो दोस्तों इसमें बारीक बारीक जो कंपोनेंट है इसका इस्तेमाल किया गया है, और छोटी छोटी हमें यहाँ पर IC वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे कि आप इन कंपोनेंट की बिल्ड क्वालिटी देख पा रहे हो, बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, और छोटे छोटे यहाँ पर कंपोनेंट का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है।
और दोस्तों ये है इसका बैक साइड और दोस्तों ये है इस पीसीबी का फ्रंट साइड, जैसे कि आप इधर से भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नए भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।